हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर हमें 99 की सीरीज दी गई है और उसको हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 99 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ ही सेकंड्स में हम इस तरह से आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम आज सीखेंगे। तो देखो बच्चों, इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है कि अगर आपके पास कोई भी 99 की सीरीज दी गई है तो आपको उसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए 99 को हमें 25 या 24 से, मान लीजिए 24 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको गुणा करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें 24 दिया गया है उसमें से आप एक माइनस कर लीजिए तो कितना आ गया, 23 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर कितना है 9 और नीचे है 2, तो यानी 9 में से आप 2 माइनस करोगे, तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब जो राइट हैंड पे लास्ट जो डिजिट है हमारी 9, इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक ऐड करना है और ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल 10। 10 में से 4 आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 6। तो ये जो है हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हमारे पास मान लीजिए है 999। 999 को आपको 753 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप में हम 753 में से एक माइनस कर देंगे, ये आ गया 752। अब आपको क्या करना है, 752 आ गया, अब आपको 9 में से 7 माइनस करना है, 9 में से 7 माइनस करोगे आंसर आ गया 2। 9 में से 5 माइनस करना है, 9 में से 5 माइनस करोगे 4। और इसी तरह अब आपको क्या करना है, इस वाले 9 में आपको एक ऐड करना है, ठीक है, एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10। 10 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ गया, 7 आ गया। तो आंसर आपका ये आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। आप देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आपके पास यहाँ पर देखिए जो है 59 दिए गए हैं मान लीजिए, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 57132 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सबसे पहले नीचे जो हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक माइनस कर लेंगे, ये आ गया 57132। 32 दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा 31 एक माइनस करने के बाद। अब आपको 9 में से 5 माइनस करना है, ठीक है, 9 में से 5 माइनस करोगे क्या आ गया 4। 9 में से 7 माइनस करोगे 2। 9 में से 1 माइनस किया आपने 8। 9 में से 3 माइनस करोगे आप आ गया 6। अब क्या करना है, अब 9 में एक ऐड करना है और यहां पर उसमें से 2 माइनस कर देना है, तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपको याद रखना है कि जिस तरह आपने यहां से एक माइनस किया, फिर लास्ट में जाके आपको ऊपर वाले में एक प्लस कर देना है और फिर आपको माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप एकदम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।